भारतीय स्त्री का सौंदर्य बोध कराती बिंदी से लेकर पानी पर झिलमिलाती रंगोली में क्या समानता हो सकती है? समानता है सांझी। दीवारों पर गोबर और रंग बिरंगे फूलों से बनी चित्रावली से लेकर मथुरा के मंदिरों में कृष्ण लीला का बखान करती सांझी कला हर भारतीय घर में किसी न किसी रूप में मौजूद है। सांझी शब्द या तो सांझ से बना हो सकता है, क्योंकि संध्या समय में दीवारों को लीपकर चित्र बनाए जाते थे, या फिर ऐसा भी माना जा सकता है कि पहले समय में परिवार के सब लोग मिलकर चित्र बनाने में अपना साझा योगदान देते थे, इसीलिए इसे सांझी कहा जाने लगा। पहले ये कला गुजरात और मध्य प्रदेश तक फैली थी, परंतु अब उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही इसका सृजन हो रहा है। उत्तर भारत के गांव देहात के घरों में त्योहारों पर फूलों, गोटे और रंग बिरंगे पत्थरों से दीवारों पर चित्रावली बनाने की परंपरा आम रही है। वहां से मथुरा के मंदिरों में लगी ये सुंदर कलाकारी कागज पर आते आते बहुत ही जटिल मगर सुंदर बदलाव पा चुकी है। मथुरा के सांझी कलाकार पीढ़ियों से इन्हीं जटिलताओं में ना सिर्फ अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, बल्कि इस कला को एक सुंदर भविष्य तक पहुंचाना भी सुनिश्चित करते हैं। ऐसे ही एक कलाकार हैं राम सोनी। मैं राम सोनी पेपर कटिंग का काम करता हूं और अपना ये फैमिली वर्क है। हम लोग इसको फैमिली में शौक के तौर पर करते थे किसी टाइम पे, तो हम लोग उस पर नहीं जानते हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो हमारे जो बाबा थे वो हमको बताते कि भाई इसको मत करिए, आप पहले ड्राइंग करना सीखिए। अगर आपको ड्राइंग करना आता है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, स्टोन कार्विंग हो या पेंटिंग हो। अगर आपको आर्ट के बारे में जानकारी नहीं है, ड्राइंग के बारे में, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमेशा दूसरों के आश्रित रहना पड़ेगा कि ये काम कोई ड्राइंग बना के देगा तो हम लोग इस काम को जब पूरा करेंगे। तो हम लोगों को स्टार्टिंग में पहले ड्राइंग सिखाया था, और ड्राइंग की जानकारी जैसे ही हम लोगों को धीरे धीरे उन लोगों ने बताई तो हम लोगों को बहुत अजीब सा लगता था, हम लोग क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। और फिर भी हम लोगों को भाई कुछ तो करिए, अगर पेपर कटिंग नहीं करना है तो ड्राइंग तो करना सीखिए। तो हम लोग ड्राइंग भी करते थे, पेपर कटिंग भी करते थे स्कूल से आने के बाद में। पर पता लगा कि भाई हम लोगों ने नहीं सोचा कि हम लोग इस मुकाम पे आएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, हम लोग इस काम को करते थे, मन किया किया नहीं किया, लेकिन हाँ अपना ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर हम लोग अचानक कुछ और काम, ज्वेलरी का काम करते थे हम लोग, तो उसमें हम खुद अपनी डिजाइन की ज्वेलरी बनाते थे। तो हम लोगों को पता लगा मार्केट में कि हमारा किया हुआ काम लोग देखते थे, बोलते थे देखो ये बिल्कुल अलग काम है, अपनी अलग पहचान हम लोगों ने इस काम के अंदर में बनाई। फिर कुछ समय बाद हम लोग और भी काम चेंज किए, काम करते थे ज्वेलरी का काम पहले से ही होता था परिवार के अंदर। अचानक मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां एक कॉन्ट्रैक्टर बेस पर काम करना था बिल्डिंग मटेरियल का। तो हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए वहां गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ये काम जल्दी करना है। तो मुझे नहीं मालूम था भाई किस लिए काम जल्दी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा आर्ट का कंपटीशन होने वाले हैं, दूर दूर से आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो हम लोगों को लगा कि चलो होता रहता है, हमें तो अपने काम से मतलब काम ख़त्म किया चलो। तो मैंने अचानक बोला कि भाई एक छोटी सी जगह मुझे भी देंगे आप, कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपके लिए। तो जो कि ठीक है आपके लिए एक छोटी सी जगह दे देंगे। मैंने अपने जो सीखा अपने फाइल उन लोगों को दिखाया कि, और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा काम है, और इस काम को सभी ने सराहा कि और भी जो लोग आर्टिस्ट थे वहाँ पे, तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये काम अब हिंदुस्तान में नहीं होता है।
तो मुझे भी बहुत विचित्र लगा कि ये काम हिंदुस्तान में नहीं होता। फिर उन लोगों को मैंने काम दिखाया अपना। काम दिखाने के बाद में जब मुझे महसूस हुआ कि मैंने जो पहले मेहनत की कि आज मैं टाइम वेस्ट नहीं किया कि उसको लोग भगवान ने एकदम सराहा। कागज पर कैंची का जादुई खेल, तो ये सब हमको हमारे पिताजी और बाबा हमको बताते थे कि भाई पहले सामने देखो, उसको समझो, फिर करो। अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिए कि ये सही है या गलत है। तो हम लोग उस चीज़ को सोचते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई हाँ, कि हमारे बाप दादाओं ने, पिताजी ने हमको गलत गाइड नहीं किया, बिल्कुल सही गाइड किया। और उस टाइम से फिर मैं इस काम को परमानेंट कर लिया। काफ़ी टाइम हो गया इन बातों को भी, पर मुझे आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और इस काम को करने लगा। आज मैं इस काम को कंटिन्यू ही करता हूँ। फिर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे नेशनल अवार्ड मिला। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद में फिर मुझे यूनेस्को अवार्ड मिला। उसके बाद में चलता रहा धीरे धीरे, मेरा नाम होने लगा, मुझे पहचान होने लगी। लेकिन सांझी के बारे में जो हमारी फैमिली ने पहले से काम किया, मैं उनकी आज कुछ भी होल्ड नहीं कर सकता। उन लोगों का काम बिल्कुल अलग था, हमने इसको चेंज किया कि इसको नए ज़माने के हिसाब से सांझी बनाई। सांझी आर्ट में भगवान कृष्ण लीला चित्रण, गाय, पक्षी, मोर, तोता वगैरह बनाते थे, नेचर पर ज़्यादा काम करते थे। तो हर टाइम हर लोग एक ही चीज़ को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लिए कुछ चेंज चाहिए। तो हम लोगों ने कुछ चेंज करके नए ज़माने के अनुसार, कि बच्चों के हिसाब से, हिस्टोरिकल से, तो सब चेंज करके धीरे धीरे चल रहे हैं। आज भी हम कृष्ण बनाते हैं, राम कृष्ण लीला बनाते हैं, लेकिन उन सबका अलग अलग कार्य है, वो अलग अलग जगह पर काम आती हैं। फिर इसको हम इंटीरियर में ले जाए, इंटीरियर में हम लोग इसको कैसे काम करें, वॉल हैंगिंग में ले जाए, क्योंकि सांझी आर्ट तो केवल मंदिरों में ही काम आती थी। तो उसको अलग अलग डेवलप करके काम वही था, मैं उसका थोड़ा सा तरीका बदल दिया। जालियाँ, पेड़, जो अच्छा लगे, क्योंकि पेड़ जालियाँ ये किसी से मजहब से रिलेटिव नहीं है, वो नेचर से रिलेटिव है। हम लोग ज़्यादातर जो बनाते हैं नेचर से रिलेटिव बनाते हैं, और कोशिश करेंगे कि और अच्छा काम करें। पहले हाथ से बने कागज का इस्तेमाल होता था, मगर अब साधारण A4 साइज के शीट्स और बड़े बड़े चार्ट्स पर भी सांझी बनाई जाने लगी है। इंटीरियर में हम लोग आर्किटेक्ट और डिजाइनरों के साथ में काम करते हैं, और डिजाइनर के साथ काम करना बहुत टिपिकल होता है। तो क्योंकि डिजाइनर जो है वो अपना साइज देता है और अपने हिसाब से उसको बनवाता है। तो हम लोगों ने उनके साथ में काफ़ी मेहनत की, और हमने बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं, इंडिया में भी किए हैं, इंडिया से बाहर भी किए हैं, और अच्छे काम किए। तो वो लोगों को लगा कि ये काम मशीन से बनाए, जबकि हम लोग सब कैंची से कटिंग करके बनाते हैं। और काम करते वक्त एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर में, कि उसकी सीरीज रियलिस्टिक, और वो कहीं से ऐसा नहीं लगे कि इसको ज़बरदस्ती काटा गया हो। उसको प्योर नेचुरल फॉर्म में बनाने के लिए बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से काम करना पड़ता है। हम लेट हो सकते हैं लेकिन काम ख़राब नहीं कर सकते, हम लेट बना सकते हैं उसको, लेकिन जब तक उसकी नेचुरलिटी है उसी हिसाब से हम काम करना पसंद करते हैं। कोई कहता है कि ज़बरदस्ती नहीं, यहाँ जॉइंट लगा, तो नहीं, हम वो काम करते नहीं, फिर हम उसको अपने तरीके से बनाते हैं, डिज़ाइन भी ख़राब ना हो और एक आर्ट का नया फॉर्म आए। एकांत में ध्यान मग्न होकर अपनी कला के जरिए आत्म साधना में लीन सांझी कलाकार। तो ये सब जानकारी जब आती है जब आप किसी चीज़ में टाइम देंगे और काम करेंगे, और काम करते वक्त विशेष ध्यान रखना होता है कि माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एकांत और फ्रेश माइंड से काम करते हैं। और इस कार्य को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो आजकल की पीढ़ी है वो मेहनत करना नहीं चाहती, उसको सब कुछ बना बना तैयार चाहिए, और बना बना तैयार तो स्वयं आर्टिस्ट कर नहीं सकता, और आर्टिस्ट के लिए टाइम देना पड़ेगा। किसी भी कार्य को हम करें उसमें सब में टाइम लगता है, और
इसीलिए बहुत कम ही इस चीज़ में इंटरेस्टेड रखते हैं। बहुत से आते हैं हमें कटिंग सिखाई दीजिए, बहुत से कहते हैं, मैं बोलता हूँ कि नहीं, पहले ड्राइंग सीखिए फिर कटिंग करना सीखिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। तो मैं कुछ ड्राइंग आपके थोड़ी सी बना कर दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, इस हिसाब से ड्राइंग करनी पड़ती है कि उसको रेज नहीं किया जाए, जो हो गया वो फाइनल, वही हिसाब हम लोगों का पेपर कटिंग में। एक बार पेपर कटिंग कैची स्टार्ट होने के बाद कट गया तो वो फाइनल है। मैंने आपको बताया ड्राइंग मैंने आपको ये करके दिखाया है कि आपने ड्राइंग देखा इसमें कहीं 19-20 गड़बड़ है, बाकी ठीक। अब जो इसमें गड़बड़ है वो हम कैंची से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको देखिए ये कटिंग, छोटा काम पहले किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट पहले बड़ा काम कर देंगे तो वो स्टेंसिल बनेगा नहीं, वो फट जाएगा। क्या सोच रहे होंगे ये कला बनाते समय, क्या क्या विचार आते हैं इनके मन में? इस कैंची से काम करते वक्त इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमने पेंसिल लाइन चलाई है वो कटिंग भी बिल्कुल पेंसिल की लाइन पर ही हो। जो मैंने कटिंग किया है वो लाइन के हिसाब से ही किया है, कहीं लाइन गड़बड़ है तो मैंने उसको कैंची से सही किया है, इसी हिसाब से कि हम लोग कटिंग करते हैं। और अगर इसकी हमें ज़्यादा कॉपी चाहिए इसी डिज़ाइन की तो हम बार बार ड्राइंग नहीं करते और उसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करके फिर उसको हम काम करते हैं। अब ये हमने पहले ड्राइंग करने के बाद में फिर इसको प्रिंट किया, इसकी हमें ज़्यादा कॉपी चाहिए तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो एक बार लिखेंगे। जो मास्टरपीस है उसको हम उठा कर रख देते हैं, कभी भविष्य में ज़रूरत पड़े तो हम उसको फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकें। ये पेपर कटिंग जो है हम तो करते हैं, बाकी के और लोग हैं वो लोग इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो स्टेंसिल्स हमने तैयार किया है इसको हम रिपीटेशन में भी काम में कर सकते हैं। इस पर कोई भी एक्रेलिक बेस्ड प्लास्टिक पेन कर सकते हैं पेपर पर काटने के बाद, जो बार बार करने पर ख़राब। अब इसी स्टेंसिल को हमको बार बार बनाना है 100-200 बार, तो हम लोग इसको फिर पेपर पर ना बना करके प्लास्टिक पे बनाएंगे। और इसको तुम चाहे हजारों बार इस्तेमाल करें, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक वाटर प्रूफ है। जैसे कि ये है जो ब्लू पार्ट है इसका, वो हम लोग निकाल रहे हैं इसमें धीरे धीरे, और एक एक को बहुत ध्यान से और बहुत संयम से काम करना पड़ता है। अगर नेक भी गलती हुआ सारा पीस बेकार। कागज़ और कैंची की कटकट के बीच घंटों एक ही जगह पर बैठे रहने और फिर भी कुछ नया करके अपनी कला को एक नए आयाम पर ले जाने वाले इन कलाकारों का संघर्ष सांझी कला को कभी लुप्त नहीं होने देगा।